इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। क्लीवेज एक खास तरह का माइटोटिक डिवीजन है जो जाइगोट से शुरू होता है और ब्लास्टुला बनने तक कंटिन्यू रहता है, और क्लीवेज के दौरान जो डॉटर सेल्स बनती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान जीवन फेस एब्सेंट होता है। क्या मतलब है? सेल साइकिल को रिकॉल कीजिए कि जीवन फेज के दौरान साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है किसी भी डॉटर सेल का, जिसकी वजह से डॉटर सेल्स ग्रो करती हैं। तो क्योंकि जीवन फेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ेगा ब्लास्टोमियर्स का या डॉटर सेल्स का। तो जो भी साइटोप्लाज्म इस फर्टिलाइज्ड एग में अवेलेबल है वही सब्सिक्वेंट ब्लास्टोमियर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे क्लीवेज का प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम होता चला जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस का साइज ब्लास्टोमियर्स में कम नहीं होता है, क्योंकि एस फेज होता है सेल डिवीजन से पहले, जिस फेज में डीएनए अपने आप को डबल करेगा, और फिर वह जो डीएनए डबल हो गया है वह अपने आप को दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये क्लीवेज का प्रोसेस, तो डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस का साइज कम नहीं होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट लगातार कम होता रहेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज जब एंड होता है तो ब्लास्टुला हमें मिलता है, क्योंकि उसके बाद ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद नॉर्मल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो में, और मैमेलियन ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में आगे बताया हुआ है। ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन का एनिमेटेड वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस डायग्राम की हेल्प से हम ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ब्लास्टोसिस्ट अभी तक मल्टी सेल स्ट्रक्चर हो चुका है, और कुछ सेल्स यहाँ पर इस एरिया में कॉम्पैक्ट हो गई हैं, एग्रीगेट हो गई हैं, और इन्होंने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास के ये चारों तरफ एक लेयर ऑफ सेल्स डेवलप हो गया है, और इस लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ब्लास्टुला की कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील का मतलब ही होता है कैविटी, तो कैविटी ऑफ ब्लास्टुला मीन्स ब्लास्टोसील। तो और अभी इस स्ट्रक्चर में देखिए एक और खास बात है कि जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। जोना पेलुसिडा एग का एक हिस्सा है, एग की सेकंड लेयर को हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और यह अभी भी इंटैक्ट है, यह अभी डिसअपियर नहीं हुई है। तो यह ब्लास्टुला बनने के बाद डिसअपियर होती है, और ब्लास्टोसिस्ट बनने तक यह डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस में आ चुका होता है, और अब यह इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो चुका होता है। जोना पेलुसिडा का रोल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ट्रोफोब्लास्ट का रोल डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रोफोब्लास्ट की टू हेल्प द एम्ब्रियो इन इम्प्लांटेशन, तो इसके रोल को अभी और आगे डिस्कस करते हैं। और यह ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट इसी ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स से होगा। इनर सेल मास एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएंगी। एम्ब्रियो प्रॉपर का मतलब है डेवलपिंग इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट्स को ये इनर सेल्स डेवलप करेंगी। और जोना पेलुसिडा हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद ये डिसअपियर हो जाता है, और यह जोना पेलुसिडा इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है फेलोपियन ट्यूब में। नहीं तो पॉसिबिलिटी थी कि ट्रोफोब्लास्ट फेलोपियन ट्यूब की लेयर से ही कॉन्टैक्ट कर लेता, और उसी फेलोपियन ट्यूब में यह इम्प्लांटेशन करवा सकता था। तो उस पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहता है, और जब यह ब्लास्टोसिस यूट्रस में आता है जहाँ पर एक्चुअली इम्प्लांटेशन होना चाहिए, तो अब यह जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को हम चार स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। तो यह ब्लास्टोसिस्ट अभी तक यूट्रस में आ चुका है, और यूट्रस में आने के बाद ये एंडोमेट्रियम के साथ अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा, और जब यह कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहा होगा एंडोमेट्रियम के साथ में, तो यह अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेगा कि इनर सेल मास जो है वो एंडोमेट्रियम की लेयर की तरफ लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहली स्टेज में
ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल्स जो एंडोमेट्रियम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, यह सेल्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स बनाएंगी और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यह कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करेंगी, ब्लास्टोसिस्ट की पकड़ को और मजबूत करेंगी और यह कोरियोनिक विलाई इस डेवलपिंग एम्ब्रियो की हेल्प करेंगी एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन ड्रॉ करने में। और यहाँ एक और बात अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह कोरियोनिक विलाई एंडोक्राइन भी होती हैं और ये एक हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। HCG के फंक्शन को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोरियोनिक विलाई कुछ लाइटिक एंजाइम्स भी रिलीज करना शुरू कर देते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यू को लोकली डाइजेस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से ये ब्लास्टोसिस्ट अब इस एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर धंसता ही चला जाएगा। इस डायग्राम में इम्प्लांटेशन की लास्ट स्टेज दिखाई हुई है, तो इस स्टेज तक ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर पूरी तरह से धंस गया है और अब हम कहेंगे कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया है। इस डायग्राम की हेल्प से हम इम्प्लांटेशन तक के सारे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब में इस जगह पे फर्टिलाइजेशन हो गया है और जाइगोट बन गया है। 24 घंटे के बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है तो टू सेल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता करता ये मोरूला बन जाता है डे 4 पर। और जैसे जैसे ये एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो साथ में ये फैलोपियन ट्यूब से आगे भी बढ़ रहा है टुवर्ड्स यूट्रस और यूट्रस में ये लगभग एक हफ्ते बाद पहुँचता है और तब तक ये ब्लास्टोसिस्ट में भी कन्वर्ट हो चुका होता है। तो जैसे ही ये यूट्रस में आएगा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जोना पेलोसिडा जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलोसिडा से बाहर आ जाएगा और अब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से कॉन्टैक्ट करेगा और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियल टिश्यू में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इस डायग्राम की हेल्प से हम एम्ब्रियो की लोकेशन को समझेंगे एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर। तो अभी तक हमने यह जान लिया है कि एम्ब्रियो अपने आप को पूरी तरह से धंसा लेता है एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी ग्रो करती है अराउंड द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो को हमेशा चारों ओर से घेर के रखती है। तो यह एंडोमेट्रियल लाइनिंग है अराउंड द एम्ब्रियो और यह प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियल टिश्यू के बीच में और प्लेसेंटा मैटर्नल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को अभी हम आगे समझेंगे और डेवलपिंग एम्ब्रियो इस प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है थ्रू अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस डायग्राम में यह यूटेराइन कैविटी है, दिस इज द यूटेराइन कैविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपिंग एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में फ्रीली सस्पेंडेड नहीं होता है बल्कि इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एंडोमेट्रियल लेयर, इट इज कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द एंडोमेट्रियल टिश्यू। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा मैटर्नल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है। एंडोमेट्रियम में जिस जगह पर इम्प्लांटेशन होता है उसी जगह पर ये प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है और डेवलपिंग फीटस प्लेसेंटा से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब इस डायग्राम में हम प्लेसेंटा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये मैटर्नल पोर्शन है प्लेसेंटा का और ये फीटल पोर्शन है। मैटर्नल पोर्शन में ये मैटर्नल वेन्स और आर्टरीज हैं। आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा तक आता है और वेन्स के थ्रू एम्ब्रियो से जो कलेक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट वो मदर की बॉडी तक जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये देखिए अम्बिलिकल वेन है और आर्टरीज हैं। तो और यह फीटल कैपलरीज हैं जो पूरी तरह से प्लेसेंटा में या मैटर्नल टिश्यू में धंसी हुई हैं। अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट प्लेसेंटा तक भेजे जाते हैं।
अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और इम्प्लांटेशन के बीच के रिलेशन को समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिकॉल कीजिए तो ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है अगर यह साइकिल 28 डेज की है तो, और सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन विद इन 2 डेज हो जाना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट का लाइफ स्पैन केवल 2 डेज का होता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th to 16th डे ही पॉसिबल है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एग का तो जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट विद इन अ वीक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यह ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में विद इन अ वीक पहुंच जाएगा। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21st डे तक ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंच जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचने के बाद विद इन 2 डेज या 48 आवर्स एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23rd डे तक ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। यह सभी फैक्ट्स को जानने के बाद प्रेगनेंसी के हार्मोनल रेगुलेशन को सीखना आसान हो जाएगा। इस ग्राफ की हेल्प से प्रेगनेंसी के हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रीफ में रिकॉल करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाता है और ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होकर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है और मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज तक इन दोनों हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने पीक पर होता है। लेकिन मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों हार्मोन्स का लेवल भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब इन दोनों हार्मोन्स का लेवल एक क्रिटिकल लेवल से नीचे चला जाता है तो एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन शुरू हो जाता है और उस फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ओव्यूलेशन के बाद एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यह फर्टिलाइज्ड एग 7 से 10 दिन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर यूट्रस तक पहुँच जाएगा। यहाँ यूट्रस में इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा और यह ब्लास्टोसिस्ट की कोरियोनिक विलाई अब HCG हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देंगी। तो यह HCG हार्मोन LH के एक्शन को मिमिक करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखकर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन को कंटिन्यू रखता है। यह दोनों हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने या 12 हफ्ते तक प्लेसेंटा पूरी तरह डेवलप हो जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की सफिशियंट क्वांटिटीज रिलीज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब HCG की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद HCG अब्रप्टली फॉल हो जाता है इसका कॉन्सेंट्रेशन और कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सफिशिएंट क्वांटिटीज अब केवल और केवल प्लेसेंटा ही रिलीज करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट अलाइजा मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं और यह फीमेल के यूरिन में HCG की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं। इन किट्स में HCG के एंटीबॉडीज होते हैं और अगर फीमेल के यूरिन में HCG है तो यह HCG इन एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट होकर कलर प्रोड्यूस करेगा और वह कलर प्रेगनेंसी को कन्फर्म करेगा। यह टेस्ट किट मिस्ड पीरियड के फर्स्ट डे पर भी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं। हाउ डज प्रेगनेंसी टेस्ट किट वर्क का एनिमेटेड वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम प्लेसेंटा के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल मदर की बॉडी में आते हैं। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड मदर के लंग्स से एक्सक्रीट होगी और बाकी वेस्ट मटेरियल मदर की किडनी से एक्सक्रीट होंगे। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू भी है और यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स जैसे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके डेवलपिंग फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। HCG को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करते हैं लैक्टेशन के लिए। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और यूटेराइन सर्विक्स को डायलेट करता है डिलीवरी के दौरान।
नॉर्मल केसेस में एम्ब्रियो को यूट्रस के इन रीजन्स में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन इन रीजन्स में इम्प्लांट ना होके अगर एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है या सर्विक्स में इम्प्लांट हो गया है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हुआ है तो इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी, और सर्विक्स में अगर इम्प्लांट हो गया है तो इसे सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत से कारण होते हैं। सिगरेट स्मोक को एक्टोपिक प्रेगनेंसी से एसोसिएट किया जाता है क्योंकि सिगरेट स्मोक में एक केमिकल होता है निकोटिन, जो फेलोपियन ट्यूब के सीलिया को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस तक एक हफ्ते के अंदर नहीं आ पाएगा और उसका जोना पेलोसिडा फेलोपियन ट्यूब में ही डिसअपियर हो जाएगा और यह एम्ब्रियो अब फेलोपियन ट्यूब में ही अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, जैसे यूटेराइन लाइनिंग का इन्फ्लामेशन, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब की कोई प्रीवियस सर्जरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना किया गया तो यह उस फीमेल के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। प्लीज़ चेक योर अंडरस्टैंड।